गाइस वेलकम टू माय बुआज चैनल। सो आज मैं अपने दद्दा को लेने आया हूँ। दद्दा ये बैठे हैं और बुआ पैकिंग कर रही हैं। ये देखो तैयारी हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है हमारी। बस अभी फूफा जी रेडी हो रहे हैं, उनको वो हमें छोड़ने जाएंगे। दद्दा और हम बैठेंगे आके, बस में बस सामान वामान कर रखना है, तैयार करना है, निकलने वाले हम। और ओरिया जाना है उनको दिल्ली से। और सुनो दद्दा का ख्याल रखते हुए, उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए नहीं जा पाए, घर वापस आ गए हैं। अब आज फाइनली जा रहे हैं। देखो सारी पैकिंग रखी है, खाना भी रखा है इसमें। सो मैं तो परसों आ रहा था बट बाबा की तबीयत खराब हो गई तो हम आया हूँ बाबा को लेने। आ नहीं पाए। अब मैं जा रहा हूँ, अब मेरे बाबा दोबारा आएंगे 40 दिन बाद। दिखा दो, दद्दा जा रहे हैं देख लो, क्योंकि दद्दा को श्राद्ध करने हैं अपने मम्मी पापा के, इसलिए गाँव जा रहे हैं और फिर लौट के वापस जल्दी आएंगे। 40 दिन बाद वापस आएंगे। दद्दा जो चाह रहे हैं इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करी ऊपर वाले भगवान जी है ना, सही बात है। मेरे दद्दा ओरिया के सरपंच थे, इसी बात पे एक लाइक बनता है, एक लाइक और वीडियो सब्सक्राइब कमेंट भर भर के टोकरी में। थैंक यू फॉर माय वाचिंग ब्लॉग। सब्सक्राइब बटन को मेरा मुंह समझ के चाटा मार देना, बेइज्जती कर दी इस लड़की ने चैनल की। सब्सक्राइब नाना जी चले गए घर खाली करके, पूरा तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा सच में, बिल्कुल सन्नाटा हो गया मेरे घर के अंदर। मैक्स भी भूखे जा रहा है यार, दो काफी दिन से थे यहाँ पे तो टाइम पास करती थी, इनके पास बैठ के बातें करती थी यार। ये रूम खाली हो गया, यहाँ पर रहते थे वो, बस अभी चले गए, जस्ट अभी गए हैं। अब देखो जब पहुँच जाएंगे, जब बात करूँगी कैसी तबीयत है क्या है फ्रेंड। अब प्लीज़ देखती हूँ आगे क्या होता है। अब तुम भी थक के बैठ गए, मैक्स भी यहाँ पर बैठ गया, देखो कि पापा इसको ले ही नहीं गए, अकेला ही रह गया घर के अंदर ही। तो हम लोग अब इसको चाहिए एसी चलाना है, क्योंकि इसको लगती है बहुत ज़्यादा गर्मी, सच में इसको बहुत गर्मी लगती है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वो पहुँच जाएंगे, फिर देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, सुबह पहुँचेंगे कितने बजे, 5 बजे 6 बजे। हेलो गाइस, फ्रेंड तो मैं जा रही हूँ अपने दद्दा के घर। मेरे दद्दा तो है नहीं है पर मैं दद्दा के घर जा रही हूँ, उनका शांति पाठ है। और मैं यमुना एक्सप्रेस पे हूँ, ये मेरा भतीजा है तो इसको फ्रैक्चर हो गया है पैर में, हमारी गाड़ी ये खड़ी है, चल नहीं पा रहा है। भाई मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हाईवे पे खड़े डेढ़ टन का आदमी हूँ साइड में, तो हम लोग जाएंगे अभी, किसी का वेट कर रहे हैं, मतलब मेरी फेवरेट मेरी दीदी आ रही है, जो कि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझे बहुत लाइक करती है, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ हाईवे पे यमुना एक्सप्रेस वे पे। तो आप लोग देख सकते हो मेरी बच्ची बाबू बेबी बाबू, ये नैन्सी नैन्सी एंड आयुष, हेलो कर दो, हेलो कर दो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, मैं ओरिया एंड इटावा जा रही हूँ, तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिएगा। इससे पहले वाली वीडियो भी मैं ऐड करूँगी इसी में, जब मेरे दद्दा मेरे घर पे थे उस घर जाने के बाद वो दोबारा नहीं आ पाए, तो दुख की बात है कि आज उनका शांति पाठ है। और ये मेरी बच्ची है, ये मेरे पति है, ये जा रहे अपनी ससुराल, मैं जा रही हूँ अपनी मायके। अब बहू रानी कहाँ गई, बहू बैठी है गाड़ी के अंदर, वो नई बहू है तो वो निकल नहीं सकती है कि मुंह दिखाई कुछ चाहिए होगा इसलिए नहीं दिखाएगी अपना मुंह। ये देखो बहू बैठी है इसमें गाड़ी के अंदर, वो मुंह ना दिखा सकती, अपना बंद कर रखी, घूंघट डाले एक घंटा घूंघट डाल रखा है। तो चलो दिखाते हैं कि अब कौन आने वाला है, दीदी आ जाएगी तो मैं दिखाऊंगी। दीदी दीदा जी आ रहे हैं हमारे, और मेरी भतीजी भी आ रही है और बच्चा भी आ रहा है, ठीक है। हाँ, और कितने 8:30 बज चुके हैं, हम 7:30 बजे से निकल चुके थे घर से, और ये देखो कैसे पोजीशन में आ रहा है, देखो देखो अंकुर आ रहा है,
ये देखो अंकुर आ रहा है, और ये देखो जंगल सा भी है, बहुत सारा जंगल है, बहुत ज़्यादा। ये देखो हाईवे है, गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। और ये पहुँचते हैं, फिर मैं मिलवाऊँगी अपनी मम्मी से, अपनी भाभियों से, भाइयों से, बहनों से। और देखना हमारी, हमसे बड़ी 6 बहनें और हैं, मैं 7वीं नंबर की हूँ, सबसे छोटी हूँ, सभी से मिलवाएंगे फ्रेंड। आप बने रहिएगा मेरी वीडियो में, और जाना मत छोड़ के प्लीज़। तो हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठने, तो आप देख सकते हैं कि हम बैठने जा रहे हैं, आप सीधे निकलेंगे औरैया के लिए। हॉर्न दे दिया है गाड़ी वालों ने, द्वारका दीज बिल्कुल नहीं है। अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो दीदी हमारी धोखा देके निकल चुकी है, हम 1 घंटे से उनका वेट कर रहे थे, हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये गाड़ी भी नहीं है, तो यूपी नंबर है हमारी दीदी गाड़ी, पता नहीं आगे खड़ी है, शायद लाइट तो दे रहा है। ये फूल है, ये बहुत ही प्यारे लग रहे, खूबसूरत, इतने सुंदर लग रहे यार, खूबसूरत खूबसूरत। हाँ अभी नहीं पता कहाँ भेजी, नहीं भेजी पता ना आप लोग। ये फूल कैसे लग रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर अरे कोई बात नहीं, आ ही रहे होंगे। कहाँ 1 घंटा तो हमने वेट कर लिया, अब हम जा रहे आगे, हो सकता है वो आगे निकल गए होंगे, कुछ नहीं पता कहाँ पे होंगे। चलो ठीक है, फिर आप और ये पहुँच के मिलते हैं, हम लोग मिलेंगे वहीं। हेलो फ्रेंड, तो चाय पी लो, कुल्हड़ चाय, ये कुल्हड़ चाय है, ये बहुत ही टेस्टी और एकदम बहुत अच्छी चाय है, कुल्हड़ चाय, बहुत टेस्टी चाय है, बहुत अच्छी चाय लग रही है। चाय पी ली है, चाय हो गई खत्म, अब हम चलते हैं घर के लिए, बहुत अच्छी चाय थी, ये हो गई खत्म। अरे बहुत धूप आ चुकी है, हमारी जीजा की गाड़ी आएगी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं हम लोग, ये देखो ये देखो, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, 1 घंटा वहाँ, देखो आए, अब आएंगे मैडम जी, देखो जिसका इंतजार था वो अब आ चुके हैं, अभी मिलवाते हैं। जिया जी नमस्ते, जिया आए करो, देखो मेरे जीजा है ये, इनके ही बोल रही थी आने वाले हैं। अरे यार मेरी बहन है, तो हम हाईवे पे खड़े थे घंटा से कि मिलवाते हैं कौन कौन है, तो ये शिल्पी कहाँ चली गई? अच्छा शिल्पी भी आ रही होगी, ये देखो आ चुके हैं हम लोग, अभी हमने अपने भाई से लड़ाई लड़ रही फोन पे, बहुत तगड़ी मुँह लाल हो चुका है, इसलिए मेरा मुँह लाल दिख रहा होगा तुम्हें सच में। ये देखो शिल्पी आ चुकी है, टकलू की बहन है ये, लड़का कहाँ गया, लड़का कहाँ गया, वो अंदर सो रहा है, ये हम हमारे सब परिवार के, ये इनकी बेटी है, ये मौसी ना इसको बहुत प्यार करती है, ये बड़ी मम्मी है इसकी, बड़ी माँ, और मैं इसकी छोटी माँ, ये बड़ी माँ है, देख रहे सबसे ज्यादा सारी मौसियों में यही मौसी प्यार करती है इसे। चाचा जी नमस्ते, चाचा को दावत दी थी, चाचा तो आई नहीं मेरे घर दावत खाने, टाइम निकालो आओ, चलो चाचा चाचा को चाय पिलाओ सब लोगों को, ये देखो सब लोग खड़े हैं। अच्छा अब तो प्लस्तर चढ़ चुका है, अब कुछ ना होगा, तो ये सारे लोग हैं, ये जीजा जी हैं, चचिया ससुर हैं, और ये हम लोग तो देख ही चुके हैं कौन है। चलो मिलते हैं और ये जाके, और ये पहुँचते हैं वहाँ पे, सब लोगों से मिलवाएंगे। ओके मुँह लाल हो चुका है एकदम से, गरम गरम, क्योंकि टेंशन के मारे बहुत गरम हो गया, रह गए तो सो रहे थे। देखो कृष्णा तुम कैसे रह गए, है नानी के ब्लॉग में तो दिखो, हेलो कृष्णा, किसको देख रहे हैं, ये देखो कृष्णा है, क्यूट सा कृष्णा है, सबका लाड़ा है, लाड़ला, हाँ ठीक है ठीक है, चलो 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 चले, नहीं रो जाएगा वो, ना रोता है वो, अच्छा बच्चा है, नहीं रोता है। ये किसने दिया है, मामा जी ने और मौसी ने, देखो मामा ने फूल दे दिया है, मामा जी सामने आओ, कहाँ गए आयुष मामा, कृष्णा ये देखो कृष्णा के मामा है, ये देखो कृष्णा का मामा है छोटा, हाँ और सबसे छोटा मामा है ना कृष्णा, कृष्णा माँ क्यों कर रहा है, मना मत करो, मत करो मना, ये कृष्णा है, कृष्णा देख रहा है, देख रहा है बेबी को, देख रहा है कृष्णा, अभी बोलता नहीं है, बस अगली वीडियो में बोलेगा, 1 साल बाद तब देखना कैसे बोलता है। अभी 7 महीने का है, 8 में चल रहा है अभी, है कृष्णा, कृष्णा ना दी, ऊपर देखो, देख ही नहीं रहा है, देख ही नहीं रहा है, धूप की वजह से कर रहा है ऐसे,
ये सोच रहा होगा पता नहीं हम कहाँ है। आँख में लग जाए बेबी, आँख में लग जाए। ट्रक आ रहा, ट्रक आ रहा, आगे चलो, उधर चलो, उधर चलो, चलो चलो सब चलो, सब चलो आराम से। देख के देख के देख के देख के देख के कृष्णा अब मुस्कुरा रहा है, सच्ची में अब हंस रहा है, अभी तक तो नहीं हंस रहा था पर अब हंस रहा है। क्यूटी 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 देखो कृष्णा कितना खुश हो रहा है। हम लोग इस गाड़ी में और वो देखो दूसरी वाली गाड़ी में बैठा हुआ है। देखो कितना खुश हो रहा है, देखो जूम करके दिखाते हैं। वाह आ जा कृष्णा, आ जा आ जा, ये देखो ये देखो। अब हंस रहा, उसने जाना है, पहचान लिया है। बाय बाय, आगे निकल गए, आगे निकल गए, हम नहीं निकलने देंगे तुमको कृष्णा को। आए कृष्णा, चलो हम चलते हैं रोड पे। बहुत तेज धूप हो चुकी है, अब ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है, बिल्कुल भी एकदम से। ये देखिए सब लोग कैसे लग रहे हैं। कहाँ गई परी, कहाँ गई? जा रही परी। अरे हाँ हाँ जी बाबा की दुआ ले आ गई। जी बाबा बैठे पीछे लगा दो, करिए खा लेंगे एक बार जाना चाहिए, एक बार पूरा पक्का वाला ले चला ले गई। चावल लेके चावल एक बार पूरा खाएगी लगा रहा। हटो इधर हटो, इधर बाबा खड़े, बाबा चलो 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 बाबा की ऐसा थोड़ी होता है। ना ये दिव्यापुर रहती है, शिवानी के पास उनका गाँव है। अरे यार ये मेरी बहन है, जे में मेरी बहन है, पांचवे नंबर की, हाँ पांचवे की चाची है मेरी, ये तीसरे नंबर की बहन है मेरी, सगी बहन है सगी, ना 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 चौथे चौथे नंबर की जी मेरी नई नई भाभी है, मैं 10 साल बाद देख रही हूँ। कितने साल हो गए शादी के? 10 साल। मैं मेरी शादी की बात किसी की शादी हुई थी जब मैं आई थी। अच्छा अच्छा हाँ, इनके मेरी भाभी बैठी है गोरी गोरी दाना, सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे। मेरी अम्मा का घर है, मेरे दद्दा चले गए, दद्दा को घर है, हमारे दद्दा को कमरा इधर है। अम्मा देखियो जी, मेरी अम्मा बैठी है, अम्मा दद्दा मेरे चले गए है नहीं है, अम्मा बची है। तो ये मेरा घर है, तुम लोग देख लो, हम जा रहे हैं। ये मेरी बहन की लड़की है, एक जगह बैठी है, अपना बोली थी कोई लड़का बता दी, कोई ने बताओ नहीं, शराब वराब ना पीता हो, पढ़ा लिखा हो, खाना बनाना आता हो, साथ में उसने कुकिंग का कोर्स कर रखा हो, सिलाई लड़की देख लेगी, पढ़ी लिखी
ये रुक इधर, ये हमसे बड़ी वाली मेरी बहन है, ये हमसे बड़ी वाली सबसे छोटी मैं, हम सबको दिखा रहे भाई साथ बहने कहा, मैं तो भाइयन को एक नहीं दिखे, हमें तो कोई दिखाई नहीं होगा, कोई ना करवा रहे कर ले कर लो जिन्हें पसंद कर लियो ले, हाँ रुक जाओ, हाँ रो लग रही हो, मैं आगे बोलो आगे बोलो, पास लाऊंगा कैमरा मैन फोकस करो, हाँ इधर इधर दिखाओ, मुझे नहीं इसको दिखाना है, तो ये एम ए बी ए बी एड है, पसंद हो संपर्क करें, बैठी है मेरी बुआ की बहू, एक मेरी जब बुआ है, मेरी दद्दा की बहन है, सबसे प्यारी दद्दा की बहन जे है, देखो दद्दा की बहन है, देखो सारे लोग बैठे, अम्मा उधर बैठी, उधर सामने देखो, सामने सब लोग बैठे हैं, बुआ दद्दा के जे बड़े लड़का है, बड़े भैया हमारे, बहन है पांचवें नंबर की बहन, ये इधर देखो, ये चौथे नंबर वाली मेरी बहन है, ये मेरे बुआ के लड़का है, मेरे बुआ फूफा भी नहीं है, ये मेरे मामा की बेटी है, ये मेरी भाभी है, और ये मेरी दिल्ली वाली बहन है, इन्हें तो जानते ही होंगे हम लोग, एक हंसते वीडियो में मिले होंगे ब्लॉग में, और ये छोटा वाला आ रहा है, ये देखो है, ओ कृष्णा 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 कृष्णा, ए कृष्णा शिल्पी, कृष्णा नहीं देख रहा, वो जीजा जी बैठे हैं, जो कि मैं 10 साल के बाद ही मिल रही हूँ, और ये मेरे समधी है, बाइक से जा रहे हैं, अब घर जा रहे हैं, हाँ गाना प्यार था इसलिए पिछड़ गए, और इनको तो मैं जानती नहीं, पर अभी अभी मुलाकात हुई है, जी समधी है, ये बहन का बच्चा है बहनौता, और ये हमारे सबसे छोटे वाले जीजा जी है, और मेरे जीजा को लाइक करियो जीजा की तरफ से, हाँ जीजा को लाइक करियो, मेरी बहनों को लाइक करियो, और मेरे दद्दा के लिए नाती आएगे तुम्हारे, अब अजय नाती आएगे दद्दा के, चलो ठीक है नाती, बाय बाय, राम राम समधी जी, राम राम, खाना खाए तुम, भाभी चलो और चलो और खा ले, बुआ तुम कहाँ जा रही, चलो अम्मा के पास बैठो चलते हैं, ये मेरे पुराने वाले घर की रास्ता है जो कि मैं जा रही हूँ, वो देखो सामने देख सकते हो दद्दा को चेयर पे बिठाया गया है, ये बैठे दद्दा हमारे, कम खाइयो कम, ठीक है देखो दद्दा मेरे का शांति पाठ का खाना चल रहा है, यहाँ पे सब लोग खाए हैं, बहुत लोग भी चले गए, अब बना रही हूँ मैं, अभी दिखाएंगे, खाओ 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 जल्दी खाओ, भाभी खाना खा लेगा, ये दद्दा मेरे बैठे हैं यहाँ पे, तो ये मेरा पुराना वाला घर है दद्दा का, और ये दूसरे नंबर का घर है, जो पहली वीडियो बनी वो तीसरा घर है, हाँ ये हमारे दद्दा के दोनों ही घर है, कौन घर बता रहे, हाँ दद्दा के दोनों घर है, ये दद्दा बैठे है हमारे, दद्दा के सबसे बड़े दामाद है, देखो ये दद्दा के दामाद बैठे, मेरे जीजा जी बैठे हैं यहाँ पे, तो ये हमारी अरदास के लिए रहेंगे, बाकी मिलते रहेंगे, तीसरे नंबर का बड़े वाले भाई का सबसे छोटा, शादी आदि करवा दो इसकी, कोई अच्छी लड़की हो तो, ये मेरी भतीजी बैठी है और बहनें बैठी हैं, और उधर जीजा जी बैठे, मैं बना ले दूँ यार, सुबह हो चुकी है, अब रात को यहाँ पे कुछ रसम करते हैं, तो देखते हैं इसके नीचे क्या होता है, यहाँ पे कुछ किया था हम लोगों ने रात में, तो अभी दिखाते हैं क्या है यहाँ पे, अब दीदी खोल रही है, देखते हैं इसमें कुछ है नीचे या नहीं रख है, अभी देखते हैं, पास में करो पास में थोड़ा सा, देखो यहाँ पे भी निशान पड़े हैं कि यानी कि मेरे दद्दा आ चुके हैं घर में, आए हैं, हाँ ये देखो गए हैं, और इसमें दिख रहा है वैसे आए तो हैं, है बीच में भी है, नातिन प्यारी ना करो तो काय के, देखो है ना दिख रहे, देखो दूर से दिख रहे है, और यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से एंट्री करी है यहाँ से, ये देखो चलो दूध पी के चले गए दद्दा, आ चुके हैं, मट्टी सी डली है, हाँ दूध में भरी मट्टी सी, वैसे दूध भी साफ रखा था, तो इसमें भी देखो ये राख पड़ी है हवन वाली, क्योंकि हवन होने के बाद ये रात को ढाक दी गई थी, तो इसका मतलब दद्दा मेरे आ चुके हैं, वो खोसे हम सब लोगों से, ये देखो
देखो यहाँ तुम्हें दिख रहा है ये तो सामने सब दिख रहा हूँ। ठीक है, जब सामने दिख रहा तो तुम ऐसे करके जाओ यहाँ से, ऐसे ये चीज ऐसे करके, ये दिख रहा है बिल्कुल साफ दिख रहा है, यहाँ से ऐसे करके और ये सीधा है ऐसे है ना। चले नीचे घंटी है थी ना, तो जब यूं तो मिड़गार उसे छिक रही है नंबर है, पता नीचे से है नहीं, लेकिन ये है ना, ये बिल्कुल ऐसे करके तो यही आए बस ना, राख पे ऐसे से देखो ये मोटी है इसलिए पता नहीं चल रही है, देखो ना सीधा देखो ये ऐसे ऐसे जे हाँ। देख सती ऐसे समझ में आरो, ध्यान से देखो हाँ। ये सती ऐसे समझ में आरो जी, यहाँ हाँ ये मेरी अम्मा बैठी हैं, ये मेरी बहने बैठी है, अभी एक बहन नहीं दिखेगी, अरे दो नहीं आई, एक आई है एक वो मुंह फुला के चली गई और एक ऐसी डार दी थी और एक आई नहीं है बड़ी वाली, इधर आ, अरे नहीं डालूंगी सच्ची में, ये मेरा मामा का लड़का है, कह रही कौन मुद्दा ही परो है, कौन परो इन पे मुद्दा ही बता 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 कौन लेटो मुद्दा ही, अच्छा देखा कौन से मुद्दा ही है, देखा मुंह अपने मुद्दा ही नहीं दिखा रही अपने मुंह, हाँ देखो भाई है मामा का बेटा छोटा वाला, कह रू मुद्दा ही लेटो है अपनी बहू तो लिया नहीं बन पाए की मुद्दा ही में लटाया, संजय दत्त है संजय दत्त कौन रहे नैन्सी आयुष मोटे मोटे वाले, अच्छा नैन्सी आयुष मोटे दिख रहे थे, ये सूखे परे है नहीं कोई चबाए रहो है कह रो चबाओ, ये पूरा साइड की लैंग्वेज है, और मामा कहा है मामा, मामा बन गए कब चले गए सुबह, अच्छा हाँ मेरी अम्मा है ये देखो, हाँ ये भतीजा बैठा है, ये इनकी बुआ बैठी है, ये देखो बुआ है, अरे ये बहनन को तो सब जाना था बड़ी बहन है, हाँ ये मुद्दा ही लेटे है बना वीडियो भाषा हमारे भाषा बोल ली, गुजराती बोलो बंगाली बोलो केम छो पूरी बोलो बंगाली, हाँ लड़का बच्चन वाली करा, अरे एक बिटिया है सुंदर हो गया कल करे नहीं करे करे जाकर ब्याह एक ही एक ही तो लड़की है, नहीं 2 साल की है, 22 साल बच्ची है, मतलब 2-2.5 साल की है, लोग तो तरस रहे लड़कियों के लिए, अरे कौन है वो खूटे भारी बात।